सीहोर जिले में आजीविका मिशन के अध्यक्ष से एक लखपति दीदी द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला इछावर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामदासी का है, जहां आजीविका मिशन की अध्यक्ष राधा गोस्वामी से नीतू मालवीय ने 50,000 रुपये लेकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान आवंटित कराने के लिए रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद नीतू मालवीय के खिलाफ राधा गोस्वामी ने जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस महिला पर भ्रष्टाचार का आरोप है और जांच चल रही है, उसी महिला को दवड़िया सीएलएफ प्रभारी माखन सिंह पिपलोदिया ने लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंप दिया। अब ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी का महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो पाएगा। बहरहाल एमकेएन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीहोर से जवाहरी लाल बामनिया की रिपोर्ट। उस गांव के पूर्व में शिकायत आई थी, तो जिसकी एक कमेटी को जांच दी है और जांच होने पर ही पता चलेगा क्या है इस मुद्दे में। और एक उस गांव का एक और प्रकरण था, पीडीएस को लेकर आपसी अनबन है, महिलाओं में आपसी विवाद की स्थिति बनी थी, तो माननीय एसडीएम महोदय ने वो पीडीएस कैंसिल कर दिया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार होगी।